So there is very less time remaining and lot of chapter, lot of syllabus, lot of backlog is there and students are continuously messaging me, भैया what are the most important topics बता दो ताकि हम उन पर ध्यान दे दें, बहुत ज़्यादा backlog हो गया है, syllabus ख़त्म नहीं होगा time से, हमारे mock test में numbers नहीं आ रहे हैं, what to do in this case. Guys, in this video, I'll tell you some of the very simple steps that if you implement now, अभी भी October खत्म होने वाला है, November शुरू होने वाला है, November, December, January, February and March, अगर आप 5 महीने भी अच्छे से इसको follow करते हो इस strategy को, तो आपका syllabus ज़्यादातर cover हो जाएगा and at the same times, आप questions को भी solve कर पाओगे. It's not just about, you know, covering the theory and the syllabus, but इतना पढ़ लिया, theory पढ़ लिया, but question भी तो solve होने चाहिए ना. Mock test में number नहीं आ रहे लोगों के, प्रीवियस paper के questions में हवा नहीं लग रही कि what is this concept, आपको negative marks आ रहे हैं mock test में, तो आप कितना भी theory पढ़ लो, syllabus ख़त्म भी कर लोगे, तो क्या point है अगर आपके exam में number नहीं आएंगे तो, right? So what to do, सबसे पहले lot of students who are asking me what are the most important topics and chapters, let me tell you one thing. मैं आपको बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर है, लेकिन अभी भी टाइम सिर्फ उन इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर के लिए नहीं है, अभी भी आपको फोकस करना चाहिए कि एक्चुअली ओवरऑल जो सिलेबस है आपको ट्राई करना चाहिए खत्म करने का. बैकलॉग इकट्ठा हो गया तो अभी क्या करना है, जो अभी चैप्टर्स हमारे मेंटर्स पढ़ा रहे हैं उनको आप पढ़ो और बैकलॉग के लिए अलग से शेड्यूल बनाओ, उनको कवर करो. सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर हमारे सायस्त्रा ऐप में जाओगे, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे, आपको डिटेल्ड पीडीएफ मिल जाएगा 2023 के एनालिसिस के साथ जो हमने बनाया था, 2023 में अपलोड किया था सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों सब्जेक्ट के लिए हमने अपलोड किया था 2023 आईएटी नेक्स्ट एग्जाम के जस्ट पहले. एंड सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स हर साल होंगे क्योंकि हमने पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये रिपोर्ट बनाई थी, हमारे मेंटर्स ने बनाई थी, तो ये सारी चीज़ें अभी भी वैलिड है. कुछ नया नहीं हम दे देंगे आपको सडनली, यू नो, जादू या फिर मिरेकल नहीं कर देंगे कि आपके अचानक नंबर आने लगेंगे. तो जो सच होता है ना वो कड़वा ही होता है कि जो है वो है. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स इन द मॉक टेस्ट, यू आर मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, यू आर मेकिंग सिली मिस्टेक्स, नेगेटिव मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो करना क्या है. सबसे पहले बहुत लोगों ने तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया अभी तक, आपको एग्जाम पैटर्न तक नहीं पता है, आपकी उतना प्रैक्टिस नहीं है कि आप 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ. तो इसके लिए क्या करना है, सहस्त्र ऐप में अगेन आप फ्री टेस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको 20 से भी ज़्यादा, मोर देन 20 फ्री मॉक टेस्ट यू विल गेट एंड सॉल्यूशंस आल्सो यू विल गेट आफ्टर यू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, यू विल गेट एनालिसिस रिपोर्ट फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट. दिस इज द सेकेंड थिंग, आपको जाना है अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट एंड देन यू कैन मैसेज मी इन द ऐप ऑल्सो दैट भैया आई एम गेटिंग लेट्स से 50 मार्क्स आउट ऑफ 240 मार्क्स इन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, अभी क्या करूँ मैं, राइट? तो ये चीज़ आप दूसरी चीज़ करो. इसी के साथ ही हमने अभी नए नए 1-1 रुपए के कोर्स लॉन्च किए, राइट? ISICMI, IIT, नेक्स्ट एग्जाम 2024 के लिए हमने 1-1 रुपए के कोर्स लॉन्च किए हैं. हर एक कोर्स में आपको 3 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, लिटरली 1 रुपए का है तो 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे. एक क्लास 11 सिलेबस का मिलेगा, एक क्लास 12 सिलेबस का मिलेगा और एक 11+12 सिलेबस कम्बाइंड मिलेगा. तो आप उनको अटेम्प्ट करो, 3 फ्री मॉक टेस्ट, टोटल 9 फ्री मॉक टेस्ट, ऑलमोस्ट 1 रुपए में आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी. तो उनको आप अटेम्प्ट करो, देखो कितने नंबर आ रहे हैं, प्रैक्टिस करो और फिर जहां गलती हो रही है उसको एनालाइज करो. नंबर 3, आपको क्या करना है कि एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनानी है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हो कि जब भी मॉक टेस्ट देते हो आप एनालाइज तो करते हो लेकिन आप जाके देख लेते हो कि सॉल्यूशन क्या था एंड समझ जाते हो अच्छा मैंने ये गलती की. आप जब 9-10 मॉक टेस्ट दोगे तो पहले मॉक टेस्ट में क्या गलती की थी कैसे याद होगा आपको, एंड इसीलिए आप लोग अपनी गलतियों को रिपीट करते हो. तो करना क्या है, एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाओ. ये डायरी स्पेशल डायरी होगी, ठीक है? इसमें आप कुछ नहीं लिखोगे, थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखोगे, इसमें आप अपनी गलतियाँ लिखोगे. पहला मॉक टेस्ट 1 दिया ना, अब लिखोगे कि मॉक टेस्ट 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में तुमने क्या क्या गलतियाँ की. जब मॉक टेस्ट 2 दोगे आप तो पहले इस डायरी को पढ़ोगे कि मॉक टेस्ट 1 में मैंने ये गलतियाँ की थी, अब जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उसमें गलती नहीं करूँगा. जब आप मॉक टेस्ट 3 दोगे तो मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 की सारी गलतियों को पढ़ोगे. इस तरह जब आप मॉक टेस्ट नंबर 10 भी दे रहे होगे तो आप फर्स्ट से लेके 9 मॉक टेस्ट के सारी गलतियाँ पढ़ोगे एंड स्लोली आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी गलतियाँ कम होते जा रही हैं. सी, अगर आपको नंबर लाना है तो 2 ही तरीके होते हैं, राइट? या तो आप अपनी गलतियों को कम करो और दूसरा होता है कि आप नए नए क्वेश्चंस को करेक्ट करते जाओ.
ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नया चीज़ तो उतना अच्छे से कर नहीं पाते, जो पुराना चीज़ आता है उसमें भी गलतियाँ ही करते रहते हैं। एंड इसीलिए ये डायरी ऑफ मिस्टेक्स बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। नंबर 4, आपको जो एनालिसिस करनी है मॉक टेस्ट की, ये बहुत ही ज़रूरी है। कैसे करनी है आपको, अगेन हमारे AIR 12 नेस्ट एग्जाम में आदित्य रूप लाहा कैसे एनालाइज किया करता था अपना मॉक टेस्ट, ये आपको दिख जाएगा। आप पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो एक कॉलम में लिखो, फिर देखो क्वेश्चन 1, 2, 3 सारे क्वेश्चन लिखो 15 तक, फिर लिखो कि आउट ऑफ 3 मार्क्स कितना मार्क्स आपको मिला है, 0 मार्क्स मिला है, -1 मार्क्स मिला है, और जब ये मिला है उसका नेक्स्ट कॉलम में लिखो कि क्या ये सिली मिस्टेक के कारण हुआ है, क्या आप कॉन्सेप्ट भूल गए थे, क्या आप फॉर्मूला भूल गए थे, एग्जैक्टली गलती कहाँ की आपने। एंड इस तरह आप कम से कम 2-3 घंटे मॉक टेस्ट भी एनालाइज करो। सो 3 घंटे तो आप मॉक टेस्ट देते हो, लेकिन 2-3 घंटे मिनिमम आप उसको एनालाइज भी अच्छे से करो और अपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स जो आपने बनाई है उसमें लिखो। यही थी 4 वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अभी भी मौका है, अभी तक स्टूडेंट को मैं जुलाई से बोल रहा था कि बच्चों ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, थ्योरी टू क्वेश्चन अप्रोच फॉलो करो, लोगों ने फॉलो नहीं की। अभी जब अक्टूबर नवंबर आ रहा है तो लोग मैसेज कर रहे हैं भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर बता दो, बस इतना कर लूँ कि नंबर आ जाए। अभी जब मार्च अप्रैल आएगा ना तो आप बोलोगे भैया बस इतना बता दो, 2-3 टॉपिक चैप्टर बता दो कि बस उनको ही पढ़ लूँ मैं नंबर आ जाए। भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। जो स्टूडेंट साल भर 2 साल से पढ़ रहे हैं क्या वो मूर्ख हैं? क्या उनकी मेहनत बर्बाद जाएगी? नहीं। तो अगर आप मेहनत करोगे सही स्ट्रैटेजी के साथ तो ही आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, जैसा हमेशा बोलता हूँ मैं, सहस्त्र ऐप में मैसेज कर सकते हो मुझे, टोटली फ्री है, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करिए अपने IIT NEST का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।